सो हम तो नहा के आ चुके हैं और अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था लक्की भाई के साथ कि वो समरसिबल से वहाँ पे पानी चला रहे थे, तो बट लक्की भाई हमारा क्लियर आउट कर रहे हैं ये वाला गलत फहमी। तो लक्की भाई क्या कहना है आपका? पार्किंग पार्किंग पहली बात वो कोई समरसिबल नहीं, एक पवित्र स्थान को वो आपकी ठीक है बात, बट वो जो पाइप था पाइप का आई थिंक समरसिबल ही था, समरसिबल था बट कहते ना एक आस्था विश्वास लोगों का जुड़ा है। अब वही बात है, हम हरिद्वार जाते हैं। हाँ, हरिद्वार का कुछ पता तो नहीं। सही बात, टॉयलेट भी है, वॉशरूम भी है, सब चीज़ उसी में। बिल्कुल, लेकिन लोग क्यों जाते हैं वहाँ? उनकी आस्था जुड़ी है, एक विश्वास जुड़ा हुआ है। सही, कहीं ना कहीं उस चीज़ से हम शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही कुंड की महिमा है। हाँ, वो चरणों से लग रहा है। ये कुंड है, ये कुंड कहाँ से टच हो रहा है आप बताओ? ये बाबा श्याम का जो शीश प्रकट हुआ था कुंड के अंदर से ही प्रकट हुआ था। अच्छा, लेकिन उसको स्थापित बाबा के शिखर पर कर दिया गया। अच्छा, जो बाबा श्याम का जो शीश है, असली जो शीश लिख रहा था कुंड के अंदर, एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ लिख रहा था। अच्छा, जिसमें यहाँ के जो राजा थे उनको दर्शन दिया था बाबा ने, और कहा था कि मैं इस स्थान पर कई सालों से रह रहा हूँ। यहाँ पे राजा ने कहा था या बाबा ने? बाबा ने कहा था, कई स्थानों से यहाँ पे विराजमान हूँ, किसी ने मुझे मेरे को खुदाई कराओ और यहाँ पे मैं प्रकट हूँ। जब यहाँ पे खुदाई करी तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा गड्ढा निकला, उसके वो खुद तो एक पानी की धारा निकली थी, उसके बाद श्याम कुंड में से शीश पड़ता। तो उसी को मानते हैं कि जब तक श्याम कुंड में तुम स्नान नहीं करोगे, छीटे नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे दर्शन पूर्ण नहीं। और तो हम इसको, ये इट वॉज द थ्योरी, ये थ्योरी है, ये हिस्ट्री है, हाँ कह सकते हैं, है ना। और ये श्रद्धा के ऊपर बात थी, बट मुझे जो लगा मैंने पूछा, ये क्योंकि एक नॉलेजेबल थिंग है, वो ऑन कर रहे हैं, क्या कहते हैं, समरसिबल तो कर रहे हैं। मुझे इसलिए लगा, भाई ने बोला कुछ टाइम पहले वो कुंड सूख गया था, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ मेरा कंसेप्शन था कि सूख गया था तो अब वो समरसिबल तो कर रहे हैं, यही सब था। बट भाई ने क्लियर आउट करा, अच्छा था, जानकर अच्छा लगा। चलो ऐसे ही बने रहिएगा, और भी नॉलेजेबल थिंग मिलेगी आपको। जय भारत के सारे की, जय खाटू नरेश की, जय शीश के दानी की, जय तीन बार दानी। ओम जय श्री श्याम हरि, बाबा जय श्री श्याम हरि, निज भक्तों के तुमने, निज भक्तों के तुमने पूरण काम करे। ओ बाबा, पहले नहीं दिखा सकता आपको, तो मैंने श्याम महाराज दिखा रखे थे, इस वजह से अब आया हूँ मैं। और आपको लाइन दी गई होगी मेरे पीछे, और ये देखिए बाकी लाइन, बहुत लंबी लाइन, बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा हमें श्याम बाबा से मिलने का, और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी कोशिश करके आपको दिखाएंगे, जब तक हम सिनेमैटिक्स थोड़ा करते हैं। लोग मिलते हैं, टाइम बढ़ा। जय 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 जय
के दौरान। दोपहर की आरती खाटू श्याम बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि हमें दोपहर की आरती देखने मिली, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। हम खाटू श्याम मंदिर से आ चुके हैं और अब खाना पीना भी हो चुका है और अब हम जा रहे हैं बालाजी। तो खाटू श्याम में के अंदर का व्यू इसलिए नहीं दिखा पाया मैं आप लोगों को, रीज़न था वहाँ पे अलाउड नहीं था फ़ोन चलाना, है ना, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पाया। और क्या कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं बालाजी की तरफ, बालाजी के रास्ते का व्यू देखते हैं कैसा रहेगा। मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स भी नहीं दिखा पा रहा, रीज़न रहेगा ये कि सिनेमैटिक शॉट्स के मुझे जगह ही नहीं मिल रही यार, सीट ही नहीं मिल रही, जो चीज़ सीट चाहिए वो सीट नहीं मिल रही, इस वजह से मैं एक तो एक नहीं दिखा पा रहा। ये देखो भाई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, रीज़न ये है कि ना मैं अभी सो के उठ के आया हूँ, मेरी आँख लग गई थी। ये देखो बस में सामान जा रहा है, अब सारा बस लोड हो रहा है, अब जाएंगे हम बालाजी की तरफ। ये रेत देखिए, रेत ही रेत है, और मैंने अभी वैसे भी बेल बॉटम पहन रखी है तो इसमें पूरी तरह से दिन में रेत भर चुकी थी। चलो चलते हैं बस के पास, देखते हैं बस में क्या हो रहा है। मैंने सुना था कि बस में कि तैयारी हो रही है कि सब बस स्टार्ट हो चुकी है, अब देखते हैं बस स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। मैं दिख भी नहीं रहा वैसे, मुझे इतनी पीछे से हार्ड सनलाइट है तो पूरा रेत ही रेत और गर्मी अपर लेवल। हम वैसे लकी थे जो हमें आज खाटू श्याम जी की आरती देखने मिली। यार दोस्तों तुम्हें भी होना चाहिए आज, तुम्हें इस वीडियो को लाइक करनी है क्योंकि आप भी उस आरती का पार्ट हो जो मैंने देखी, तो आप एक लाइक तो बनती है खाटू श्याम जी के लिए। तो भाई पीछे से कोई बुला रहा है मुझे, राम दर्शन। तो आज व्यूअर्स के भी बहुत अच्छे हुए क्योंकि रीज़न ये था कि जब हम पहुंचे वहां पे उस समय आरती का टाइम था, तो आरती हो रही थी, तो आरती में हमारे व्यूअर्स भी पार्ट हैं। आज व्यूअर्स हमारे लाइक करेंगे बाबा के नाम पे, तो ये तो बनते ही है। तो ये हमारी बस है, पीछे दिख रही है परासर की बस, तो ये हमारी बस है और ये हमारे सारे पैसेंजर्स हैं। देखिए ये हमारे पैसेंजर्स और ये हमारे भाई हैं। तो दरअसल भाई रवि भाई कुछ इंफॉर्मेशन डिटेल्स देना चाहेंगे, तो रवि भाई हम जा कहाँ रहे हैं? सभी को पहले तो जय श्री श्याम, प्यार भरा जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई, अभी हम आए थे खाटू श्याम जी, और खाटू श्याम जी में बाबा के इतने प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे, मतलब कहते हैं ना 2 घंटे की लाइन और 1 सेकंड का दर्शन, तो वही सेम चीज बाबा को मतलब आंखों में बस बसा लिया। लेकिन यार ऐसा था कुछ कि ना उस एक सेकंड के दर्शन में ना मैं तो खो गया था, मैं सोच रहा था कि मुझे मत्था टेकना चाहिए या देखना चाहिए, हाँ। तो मैं कंफ्यूज हो गया, जो भी पहले हम सोच ले जाते हैं वो कभी पूरा नहीं होता। और क्या कहते हैं, तो फिलहाल अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम सालासर बालाजी के लिए जा रहे हैं, जिसका अभी टाइम 1-2 घंटे लगेगा मिनिमम। अच्छा, हाँ, सालासर बालाजी के फिर आपको सभी को। तो सालासर बालाजी यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? 200-150 किलोमीटर। ओके, तो मतलब वही लग जाएगा 2-3 घंटे है? हाँ, 2 घंटे मिनिमम। थैंक यू सो मच फॉर बींग इन दिस वीडियो टिल दिस टाइम। और अब आपसे मैं हो सकता है इंटरेक्ट ना कर पाऊँ क्योंकि इस फ़ोन में रात में क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, बट हाँ मैं आपको शॉर्ट्स ज़रूर दिखाऊँगा बालाजी के शॉर्ट्स, और इंटरेक्ट हो सका तो करेंगे, बट येस आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट। बट हाँ, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना हो सके, जितना जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फैला दो, आग लगा दो मार्केट में। आज नया बैटरे तो अब हम रास्ते में बालाजी के, देखिए ये रास्ता है, यहाँ से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ ये टीम है, हमारे चाचा जी और ये तुषार, और हम जा रहे हैं शारदा बालाजी के रास्ते में। पूरा रास्ता है, गाड़ियाँ आ जा रही है। तो चाचा जी कैसा लग रहा है आपको? चाचा जी हमारे बहुत अच्छे हैं, चाचा जी ने हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत सैक्रिफाइस करा कि हमें लाया चाचा जी ने। मतलब हमारा कोई प्लान नहीं था, बट चाचा जी की वजह से हम आए। मन सुकाल से तो पूछ लो, जो बताई दे। मुकेश भैया कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है। और बालाजी धाम में आ गए। Thank you.